वीडियो शुरू करन तो पहला बुलाओ फतेह, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। स्वागत है जी अज के नवे ब्लॉक के विच। अज तुहानूं दर्शन करवावांगे गुरुद्वारा सेरा साहब ते गुरुद्वारा गुरु के लाहौर। तो वीडियो नूं एंड तक पूरा जरूर देखियो। हाँ जी, तुसीं वेख सकते हो गुरुद्वारा सेरा साहब अज आपां पहुंचे होए आ। तुसीं गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर सकते हो। तो संगतां नाल ठाठा मारदा कट्ठ, तो आले दुआले जानी कि जिहड़े मठियाइयां दे लंगर आ उह चल रहे ने। तो संगतां बड़े प्रेम दे नाल बैठ के लंगर छक रहियां ने, तो गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त कर रहियां ने। अज 26 जनवरी बसंत पंचमी का दिन आ, तो अज गुरु साहब का ब्याह पुरब भी आ। तो अज धुंद बहुत पई हुई आले दुआले पहाड़ों के विच, तो कोहरा जिहड़ा आ हल्का हल्का गिर रहा है। इस स्थान पर जदों कलगीधर पातशाह सन 1677 ईस्वी नूं अपनी शादी समय पहुँचे, 23 हाड़ संमत 1734 नूं सतगुरु जी की बरात का उतारा किया गया। इस स्थान पर सतगुरु जी ने सेहरा बन्निया। दर्शन किए जी गुरुद्वारा सेरा साहब के। हुण अज तुहानूं लैके चलदे आ गुरुद्वारा गुरु के लाहौर। वीडियो दे नाल बने रहो। हाँ जी, पहुँच चुके हैं जी गुरुद्वारा गुरु के लाहौर। तो काफ़ी पौड़ियाँ उपर चढ़ के आप जाना है। गुरुद्वारा साहब बहुत सोहना सजाया हुआ वा। गुरु साहब के विआह पुरब नूं मुख रखदे होए संगतां बहुत दूरों दूरों आई हुई ने। सेवादारा वालों लंगरां दा ते मठियाइयां दा पूरा खास प्रबंध किया हुआ वा। आ जाओ हुण आपां तुहानूं उपर लैके चलदे आ ते दर्शन कराउंदे आ गुरुद्वारा साहब के। गुरुद्वारा गुरु का लाहौर। इस स्थान ते लाहौर निवासी भाई हरजस दी सपुत्री माता जीत कौर दा आनंद कारज कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल 23 हाड़ संमत 1734 नूं होया। इस नगर दा नाम सतगुरु जी ने आप गुरु का लाहौर रख्या। इस स्थान ते सतगुरु जी दे विआह पुरब हर साल बसंत पंचमी वाले दिन बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाए जाते हैं। इत्थों कड़ाह प्रसाद तुसीं लै सकदे हो। तो हुण आपां तुहानूं निशान साहब दे दर्शन कराउने अगे।
दरबार साहब जाने वास्ते काफी इकट्ठा संगतां दा, हुण आपां तुहानूं अंदर जाके मिलदे आं। सुख पाया रहम तेरी रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी रहम तेरी सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया रहम तेरी हुण तुसी बाहरला माहौल जिहड़ा देख सकते हो ते आले दुआले संगतां दी बहुत रौनक आ। हुण जिथे आपां खड़े हाँ गुरद्वारा गुरु के लाहौर इत्थों थोड़ी ही दूरी ते गुरद्वारा त्रिवैणी साहब आ। गुरु साहब जी ने इस जगह ते कृपा बरछा मार के पानी दियां तीन धारावां वगाईआं, इस करके इस जगह दा नां त्रिवैणी साहब रख्या गया सी। त्रिवैणी साहब दे संगतां दा बहुत ज्यादा इकट्ठ होण करके आपां तुहानूं दर्शन नहीं करा सके। उपरों मत्था टेक के हुण आपां थल्ले आ गए हां जी। इह सामणे गुरद्वारा पौड़ साहब आ ते आ जाओ हुण आपां तुहानूं गुरद्वारा साहब दे अंदरों दर्शन करवाउने आ। गुरद्वारा पौड़ साहब दा संखेप इतिहास, इस स्थान ते कलगीधर पातशाह जी दे घोड़े ने अपना पौड़ धरती ते मारिया ते खारे पानी दा चश्मा फुटिया, इस दा जल खारा है। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।